इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंटरमीडियट अकाउंटिंग राजबोर्स लिया गया सो लेटस्टारीडिंगजुकीड पाकिस्तान सुजुकी है परचेज अ मशीन फ्रॉम सुड ठीक है ये मतलब दो कंपनी है ऑफ जापान रुपीज ट्वेंटी फाइव लैक फोर्थ फॉर कैश बेसिकली दिस इज कैश ठीक है फॉर कैश ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड द मशीन वॉज एस्टिटेड टू हैव एन ऑपरेटिंग लाइफ फॉर फोर इस एंड द रेजिडल वैल्यू ऑफ रुपीज फाइव लैक ठीक है अब देखो रेजिडल वैल्यू बेसिकली क्या होती है दिस इज स्क्रैप वैल्यू सर्विस वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू को या रेजिटल वैल्यू को इट्स द सेम थिंग और उन uh, लोगों ने एक मशीन परचेस की है जो uh, 25 lakh की ट्वेंटी फाइव लैक की किन लोगों ने परचेज किए पाक सुजुकी वालों ने ठीक है सो so, uh, और उनकी जो मतलब लाइफ है यानी कि वो मशीन जो है वो चार फोर uh, इयर्स चल सकती है फोर इयर्स के बाद उसको जो आप कबाड़ी वाले के पास दोगे और कबाड़ी वाले जो आपको उसकी वैल्यू देगा दैट इज़ द रेजिडल वैल्यू विच इज़ फाइव लैक ठीक है यानी कि लेट सपोज के आपने चार साल वो मशीन यूज़ की और आपने उसको रगड़ रगड़ के घसा घसा के यूज़ किया उस और uh, वो मशीन जो है चार साल के बाद आपकी अब यूज़ करने के लायक नहीं रही या हो सकता है कि काफ़ी मतलब उसकी स्पीड स्लो हो गई अब नहीं चल रही है या आप जंग खा गई है या कुछ भी तो आप उस मशीन को लेके ले गए लेके गए कबाड़ी वाले के पास और फिर कबाड़ी वाले ने बोला भाई मैं इसकी जो है आपको पाँच लाख दूंगा ठीक है सो दैट इज वॉट दैट इज स्क्रैप वैल्यू यानी कि इसको जब आप डिस्पोज करते हो आ, तो या डिस्कार्ड करते हो तो उसको डिस्कार्ड करने के बाद उसकी 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 क्या पैसा मिलेगा दैट इज द स्क्रैप वैल्यू या रजीरोल वैल्यू या सलवेश वैल्यू अच्छा आप आगे क्या लिखा है रिक्वायर्ड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन फॉर द ईयर्स एंडम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड एंड दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड वा ठीक है तो दो ईयर्स का यहाँ पे हमने आ, जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अच्छा यहाँ पे जो या बल्कि अकाउंटिंग के हर क्वेश्चन में आपने डेट्स जरूर देखनी है कि पर्चीस किस महीने में हुई ठीक है या इस या किस महीने बिजनेस स्टार्ट हुआ ठीक है ये आपने जरूर देखना है क्योंकि बाँसोकत क्या होता है देखो यहाँ पे क्या है के मार्च को परचेज हुई है तो यानी कि जब मैं पहले एयर का डिप्रिशिएशन निकालूंगा तो मैं पहले का पूरे बारह महीनों का नहीं निकालूंगा मैं कितने महीनों का निकालूंगा मार्च से लेकर दिसंबर तक का ठीक है तो ये मार्च अप्रैल सॉरी यस मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये कितने महीने होते हैं दस महीने राइट So, यानी कि मैं दस महीनों का निकालूंगा मैं पूरे भारह महीने का नहीं निकालूंगा ठीक है और यहां पे जो अगर हम स्ट्रेट लाइन से या आ, या जो है एक्सकुलरेटिंग जिसको आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हो तो अगर हम उससे निकालते हैं तो वैसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये होता है कि पहले साल जो है सबसे ज्यादा आती है फिर दूसरे साल उससे कम फिर तीसरे साल उससे भी कम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका आ रहा होता है तो इसमें क्या करेंगे कि ये बेसिकली आपको दे रहा होता है पूरे साल का ठीक है कोई भी कोई भी किसी भी मेथड से निकालो तो वो आपको सिवा आर्स और यूनिट्स को छोड़ के ठीक है यूनिट्स प्रोडक्शन और आर्स यूज को छोड़ के जो दो मेथड्स होते हैं स्ट्रीट टाइम और डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड अगर इनसे आप डिप्रिसिएशन निकालते हो तो ये पूरे साल का आपको डिप्रिसिएशन देते हैं ठीक है ये आपको एक महीने का डिप्रिसिएशन नहीं देता है तो आपने क्या करना है कि पूरे साल के डिप्रिसिएशन को तो तोड़ के बारह या दस महीने सॉरी नोट बारह बारह तो पूरे साल हो जाएंगे तो आपने दस महीने का डिप्रिसिएशन निकालना है ठीक है तो दिस इज हाउ इट इज तो आगे बढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ पे, है पहले में लिखा हुआ कि फोर्टी परसेंट डेमिनिशिंग बैलेंस मेथड और फिर ट्वेंटी परसेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड ठीक है सो फोर्टी परसेंट so से डिमिनीशिंग बैलेंस मेथड और ट्वेंटी परसेंट से स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड से अपने दो मेथड से सॉल्व करना है फिर क्या लिखा है कि गिवन एडजस्टिंग जर्नल इंट्री टू रिकॉर्ड द रिकॉर्ड्रिए ऑन थर्ट टू थाउजेंड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के जो स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने जो मेथडियशन कैलकुलेट किया है उसकी आपने एडजस्टिंग एंट्री बनानी है ठीक है और आखिरी यहाँ पे एक और आपके पास रिक्वायरमेंट है जिसमें लिखा है कि गिव जर्नल इंट्री टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन डिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंडन डिमिनीशिंग बैलेंस मेथड फिर आपने एक क्लोजिंग इंट्री भी बनानी है इसकी जिसमें आप क्लोज करोगे आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इनकम समरी के अंदर ठीक है क्लोजिंग अगर आपने क्लोजिंग इंट्रीज पर वैसे फर्स्ट इयर आपकी होती थी क्लोजिंग और एडजस्टिंग एंट्रीज तो अगर आपको अच्छी तरीके से आती होंगी तो आपके लिए ये इशू नहीं होगा यहाँ पे ये जो uh, रिक्वायरमेंट है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपका क्या था कि फोर्टी परसेंट डिमिनीशिंग से आपने दो साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है ठीक है तो चले फोर्टी परसेंट से शुरू हो जाते हैं हम अपना आ, यहीं पे शुरू होते हैं सो so, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग डिमिनेशन बैलेंस मेथड तो बेसिकली इसको करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपकी कॉस्ट होती है उसको मल्टीप्लाई करते हो अपनी परसेंटेज से वहाँ पर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है ठीक है सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आ, मतलब जी हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस राइट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर उस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे फिर से कॉस्ट से तो आपकी आ जाएगी बुक वैल्यू ठीक है अब ये जो बुक वैल्यू है वो इस साल की बुक वैल्यू है नेक्स्ट ईयर की ये कॉस्ट बन जाएगी ठीक है so, सो इसको करने का तरीका बेसिकली होता है कि आप जो है वहाँ पे पांच कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हो रोज आपकी डिपेंड करता है कि ये कितनी साल की बनाओगे ठीक है कॉलम्स ये होते हैं ठीक है फाइव कॉलम्स रोस ये होती है ठीक है जो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज़ योर रोस और यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन् दैट इज योर कॉलम्स अच्छा तो अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे एयर्स लिखने हैं कॉस्ट रेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या निकलता है कि कॉस्ट को मतलब मल्टीप्लाई करोगे रेट से रेट क्या है फोर्टी परसेंट राइट सो रेट से जो आप मल्टीपाई करिए तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा फिर इसी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक। को तारिए की तारिए की तारिए की आगी। आगी आगी जो आप कॉस्ट से माइनस करोगे या कॉस्ट को डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में माइनस करोगे तो वो आ जाएगी बुक वैल्यू अभी जो बुक वैल्यू इस साल की है वो नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट बन जाएगी ठीक है फिर उस कॉस्ट का जो है फोर्टी परसेंट निकालोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेकिन जो पहले साल का निकलेगा पूरी साल का नहीं निकलेगा हमने अभी भी पहले भी हमने इस बात को डिस्कस कर लिया है निकलेगा, वो सिर्फ दस महीनों का निकलेगा बारह महीनों का नहीं निकलेगा उसका कौन सा महीना था मार्च का महीना था ठीक है सो यहाँ पे आपके पास जो है अच्छा कौन से की निकाल रहे हैं हम uh, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से निकालनी थी टू थाउजेंड की और टू थाउजेंड वन की ठीक है सो यहाँ पे आप अच्छा ये जो हुआ था वो मार्च थर्टी फर्स्ट को हुआ है ठीक है तो मार्च काउंट नहीं होगा तो अब जो है नौ महीने नहीं बल्कि आई मी आई मीन दस महीने नहीं बल्कि नौ महीने होंगे ठीक ठीक है क्योंकि मार्च थर्टी फर्स्ट को मतलब महीना एंड है एंड वाले महीने में आप परचेस कर तो वो महीना काउंट नहीं होगा जाहिर सी बात है अगर फर्स्ट मार्च को परचेस क्या होता तो वो महीना काउंट होता ठीक है तो अभी क्या होगा कि अब हम नाइन महीनों को निकालेंगे दस महीनों की नहीं निकालेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपके पास ईयर है टू ठीक है और टू में जो आपकी कॉस्ट थी Uh, कितने की खरीदी ट्वेंटी फाइव लाख ठीक है सो ट्वेंटी फाइव लाख को यह यहां पे लिख लेते हैं ठीक है ट्वेंटी फाइव लाख रेट है फोर्टी परसेंट और ट्वेंटी फाइव लैख का फोर्टी फाइव परसेंट कितना होता है ये हम देख लेते हैं कैलकुलेटर तो के अंदर ट्वेंटी फाइव लाख ट्वेंटी लाख फोर्टी परसेंट तो ये आ गया आपके पास कितना टेन लैक ठीक है सो टेन लैक इज द फोर्टी परसेंट सो टेन लैक जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा यहाँ पे ठीक है लेकिन टेन लैक पूरा नहीं निकलेगा क्योंकि ये मशीन जो है मार्च में पच्चीस हुई है तो उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय नाइन डिवाइड बाय ट्वेल्व ठीक है इससे क्या होगा कि ये जो है वन लैख बारह सौ में तकसीब हो जाएंगे यानी कि पर मंथ आपके पास आ जाएगा अगर आप आपको डिवाइड करते हो से तो आपके पास तो पर मंथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा फिर यहाँ पे नाइन और फिर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नाइन से तो आपके पास नाइन महीनों के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल के आ जाएंगे जो कि हमें चाहिए ठीक है सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कर रही होती है कि ये टेन लाख को डिवाइड कर देगी बारह में ठीक है और फिर नाइन महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको निकाल कर दे देगी ठीक है जो कि हमें चाहिए नाइन महीने का तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व से तो यहाँ के पास आ जाएगा नौ महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल के विच इज सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड सो सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ नाइन मंथ ठीक है तो अगर मैं सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड को माइनस करूं ट्वेंटी फाइव लाख में से तो आपके पास क्या आ जाएगी बुक वैल्यू आ जाएगी ठीक है सो यहाँ पे आपके पास आगे ट्वेंटी फाइव सॉरी 25 लाख ठीक है माइनस सेवन सो कितना आ रहा है आपके पास सेवन लैखीन थाउजेंड ये आपकी आ गई बुक वैल्यू ठीक है अब ये बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट महीने की आई मीन नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट बन जाएगी ठीक है सो आपके पास ईयर कौन सा अभी टू थाउजेंड वन और आपके पास कॉस्ट कितनी है मशीन की सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अब इसका निकालोगे फोर्टी परसेंट तो आपके पास एक्सपेंस पूरे साल का यहां पे भी पूरे साल थाउजेंट मल्टीप्लाई so, uh, like, तो कितना सो सेवन लाख मतलब यहाँ पे आ गया ठीक है टू थाउजेंड वन का और इसको जो है माइनस करेंगे इससे तो आगे आगे so, यह आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू सो ये आ गया तो, जा एंग एंग गर गर तो ये आ गया आपके पास टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड सो टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड इज योर बुक वैल्यू और ये जो कि टू थाउजेंड टू अगर होता तो ये टू थाउजेंड टू की कॉस्ट बन जाती है ठीक है तो यहाँ पे हमने दो महीने आई मीन दो ईयर्स का टू ईर्स का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकालना था वो हमने निकाल लिया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते हुए ठीक है तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने स्ट्रेट लाइन को इस्तेमाल करते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है दो ईयर का ठीक है तो चलिए स्ट्रेट लाइन के पास आ जाते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी आई मीन हेडिंग डाल दी है कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड अब यूजली क्या होता है कि हम ये वाला का यूज करते हैं कि कॉस्ट को माइनस करते हैं आपकी स्क्रैप uh, वैल्यू से और फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं लाइफ से ठीक है लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ से ठीक है लेकिन लेकिन uh, यहाँ पे आपको क्या है गिवन है कि भाई स्ट्रेट लाइन ट्वेंटी परसेंट आपके पास यहाँ पे रेट गिवन है यानी आपको रेट से जो है स्ट्रेट लाइन मेथड आ, मतलब को मतलब रेट को इस्तेमाल करते हुए आपको आ, मतलब रेट को रेट, रेट का यूज यूजेज करना है आपको इसमें ठीक है लाइफ का नहीं तो यूजली तो ये होता है कि ये वाले फॉर्मोला लगते हैं लेकिन इसमें क्या होगा क्योंकि हमारे पास रेट गिवन है तो हम क्या करेंगे कॉस्ट माइनस क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ठीक है ये वाला फॉर्मोला इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो कॉस्ट कितनी है आपके पास ट्वेंटी फाइव लाख ठीक है माइनस क्रैप वैल्यू कितना है फाइव लाख और रेट कितना है आपके पास ट्वेंटी बाइब है ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो पहले हम जो है इसको माइनस करते हैं फिर देखते हैं कि क्या है आ, तो ये आपके पास ट्वेंटी फाइव लाख ठीक है माइनस फाइव लाख तो फाइव लाख माइनस करोगे तो ये ट्वेंटी फाइव लाख हो जाएंगे सिर्फ आई मीन सॉरी ट्वेंटी लाख हो जाएंगे ठीक है मैंने गलती से डिवाइड कर दिया इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है आपके पास 20 तो ट्वेंटी लाख ठीक है ट्वेंटी लाख का ट्वेंटी परसेंट तो पहले यहाँ पे ट्वेंटी तो लाख लेता हूँ ठीक है ट्वेंटी लाख का ट्वेंटी परसेंट जो है आपका क्या होगा दिस वुड बी योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर अ ईयर ठीक है पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा आपको तो पर ईयर कितना आ रहा है अच्छा यहाँ पे हम टू थाउजेंड वन लिख लेते हैं ठीक है टू थाउजेंड सॉरी पहले टू थाउजेंड का निकालना है फिर बाद में टू थाउजेंड वन का निकालेंगे सो टू थाउजेंड का कितना निकलेगा पहले टू लाख ट्वेंटी लाख ऑलरेडी पड़े हुए इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा ट्वेंटी परसेंट से तो कितना आ रहा है फोर लाख ठीक है सो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा वो फोर लाख निकलेगा लेकिन यहां पे आपको पता है कि हमने नौ महीने का निकालना है पूरे बारह महीने का नहीं निकालना है तो फिर से हम उसको नाइन डिवाइड बाय ट्वेल्व कर देंगे तो ये बारह आई मीन नौ महीने का निकल के आ जाएगा सही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नाइन डिवाइड बाई ट से तो यह आपके पास कितना आ रहा है थ्री लाख सो पहले पहले साल का या टू थाउजेंड का जो है वो थ्री लाख डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है और फिर आपके पास आ जाएगा टू थाउजेंड वन तो उसका कितना आएगा इसका फोर लैक ही आएगा ठीक है सो ये हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को इस्तेमाल करते हुए वो भी रेट के साथ परसेंटेज वाले रेट के साथ आ, हमने यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस निकाल लिए फॉर द ईयर ऑफ 2000 एंड 2001। अब हम आते हैं आपकी एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री के पास ठीक है तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट बना लिया और काफी जल्दी जल्दी में बनाया तो काफी बुरा बनाए लेकिन बन गया है ठीक है तो अब हमारे पास जो जनरल एंट्री है वो किसकी है जनरल एंट्री आपके पास जो है आ, वो आपने बनानी है स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉरी एडजस्टिंग एंट्री जो बनानी है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से बनानी है ठीक है दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड की आ, तो दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड की एंट्री क्या बनेगी स्ट्रेट लाइन मेथड वाली तो ये हमने आपको सॉल्व किया तो ये हमारा जो टू थाउजेंड का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला था वो थ्री लाख के ठीक है सो थ्री लाख से आप एंट्री पास करोगे क्या एंट्री पास करोगे कि डेप्रिट जब यूजली करते हो कि डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन uh, एक्सपेंस को आप यहाँ पे डेबिट करोगे क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका एज ऐक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो आप आपको डेबिट करोगे ठीक है मतलब एज ऐ एक्सपेंस अकाउंट जब भी बढ़ेगा तो आप आपको डेबिट करोगे ठीक है और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन ठीक है और ये एंट्री काफी बेसिक एंट्री है आप हर डेप्रिसिएशन की एंट्री यही करते हो अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन जो है आपका एक बैलेंस शीट का आइटम है जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है आपका इनकम स्टेटमेंट का आइटम है राइट सो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ठीक है तो ये आएगा थ्री लाख का ठीक है ये आपके एक एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई क्लोजिंग एंट्री में क्या कर रहे होते हो आप आपके तमाम एक्सपेंसेस को और आपकी जो भी रेवेन्यूस है उनको क्लोज कर रहे होते हैं क्लोज कर रहे होते हो एक टेम्प्रेरी अकाउंट में जिसको हम नाम देते हैं इनकम समरी का ठीक है तो यहाँ पे आपके पास रेवे तो नहीं है और दूसरी भी एक्सपेंसेस नहीं है तो क्या है आपके पास एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जिसको आप क्लोज करोगे क्लोज करने का मतलब कि अगर वो एक्सपेंस डेबिट साइड पर खुला हुआ है तो उसको उठा के आपने क्रेडिट कर देना है तो ये क्लोज हुआ ठीक है सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनकम समरी एक नया अकाउंट खोलेंगे इनकम समरी क्या है रेवेन्यू अकाउंट है ठीक है और ये बिल्कुल रेवेन्यू अकाउंट की तरह बिहेव करता है यानी कि जब भी बढ़ेगा तो आपको क्रेडिट करोगे और जब भी घटेगा तो यहाँ पे आपको डेबिट करोगे और यहाँ पे इस सिचुएशन में घट रहा है कितने से ये आपने जो है बेसिकली बनाना है आपका जो है बैलेंस मेथड से और टू थाउजेंड वन वन वाला लेना है आपने डेटा ठीक है सो टू थाउजेंड वन का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला था वो सेवन लैख ,00 का निकला है ठीक है सो सेवन लैख जो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, सो so, इनकम समय आ जाएगी इनकम समय कितने से कम हो गई सेवन लैख ,00 से ठीक है क्योंकि इनकम समी जरा अकाउंट जब भी, भी कम होती है तो उसको डेबिट साइड पे लिखते हो क्योंकि कम क्यों हुई क्योंकि उसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज कर दिया यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जॉप निकला तो वो पैसे निकाल के आपने इनकम समरी में डाल दिए ठीक है जिसकी वैसे इनकम समरी कम हो गया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिए खत्म हो गया यानी कि क्लोज हो गया ठीक है so, सो डेप्री यहाँ पे हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ठीक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से लैक्स है क्लोज कर देना यानी कि खत्म कर देना उस अकाउंट को ठीक है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आ, अगर इसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई होती तो ये जो है एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका एक डेबिट साइड पे होता है ठीक है और यही सेवन लैक आपका जो है यहाँ पे क्लोजिंग में क्रेडिट साइड पर आ गया तो ये क्रेडिट डेबिट आपस में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं तो जिसके वजह से हमको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप तमाम अपने एक्सपेंसिस रेवेन्यू को, को खत्म कर रहे होते हो और उसको एक सिंगल अकाउंट में डाल रहे होते हो जो कि आपका जिसका नाम होता है इनकम समरी ठीक है सो इनकम समरी यहाँ पे आपका सेवन लैक से नेगेटिव बैलेंस में खड़ा हुआ है ठीक है सो बस यही था This is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and a love office.